राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री गहलोत की कुर्सी खतरे में है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट अपने 30 से ज्यादा विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। गहलोत अभी संकट में फंसे हुए हैं, तब तक आयकर विभाग उनके करीबियों की पीछे पड़ गई है। आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान की कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। धर्मेंद्र राठौड़ को भी सीएम अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ से देश के बाहर किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रविकांत शर्मा पर ईडी ने छापेमारी की है। रविकांत शर्मा से विदेश से आए करोड़ों रुपए के बारे में पूछताछ की गई है। वहीं आयकर विभाग की छापेमारी पर बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर जंग छिड़ गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि कोरोना के कारण आयकर विभाग ने छापेमारी रोकी थी, अब फिर से आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। इस छापेमारी और राजस्थान के सियासी संकट का कोई लेना देना नहीं है। आयकर विभाग की टीम ने जिन राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है वो राजस्थान कांग्रेस का आर्थिक मैनेजमेंट भी देखते हैं। वहीं इस छापेमारी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही हो, लेकिन आयकर विभाग की छापेमारी में कुछ निकल कर सामने आता है तो फिर गहलोत की गर्दन पर भी तलवार लटक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।